मैं तो अच्छा सुबह नहा आज रही खुद हूँ नहा रहे हो, मुझे पूछ रहे हो। बेटा, सुबह सुबह नहा लेता हूँ मैं ठंडे पानी से। चलो भैया चलते हैं, आज कुछ तो करने। चलो भाई चलो भाई चलो, ड्रम 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 ड्रम। अब भाई मैंने मुझे रख ली, अबे जरा मुझे देख रहे तुझे हेलमेट में से, पूरी दाढ़ी रखी हुई मैंने। भाई 200 व्यूज आ गए हमारे पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में 200 व्यूज आ गए हमारे। हाथ मिला रहे हाथ। मत्था टेके, हाथ मिला रहा, वो मत्था नहीं टेक रहा। इस समय वो हाथ ही हिला रहा है बस। जय बेटा जय, हेलो जय में फर्क नहीं होता क्या? अब हेलो करो, देख रहा है हो। आज इसकी बारी है, बाइक की चाबी लाना, पहले बाइक को साइड करूं। इसे करेंगे साइड आज, क्योंकि हमारे घर आ गया एक नया मेंबर। देखो सब नौ सीखी हैं अभी, एक ये और एक वो, तू और कौन। तुझे चलानी आती है स्कूटी? आगे लेके जाओ और आगे लेके जाओ। आओ नवी नवी स्कूटी का मजा लेके आइए। ये है अपने कृष्णानगर की मार्केट, जहाँ पे होली का सामान आ चुका है। स्कूटी है तो ये बहन की, लेकिन किसी को चलानी नहीं आती, इसीलिए अभी ये मेरे पास है। अभी मैं सबको चलानी सिखाऊंगा पहले, उसके बाद ये मेरे पास से चली जाएगी। हरिद्वार वालों की फेवरेट प्लेस है BHEL, जहाँ पे हमें मिलते खाली जगह स्कूटी स्कूटी चलाने के लिए, सीखने के लिए। अरे भाई अंकल, तुमने तो खेल कर दिया, अंकल तो खेल गए पूरा। लो भाई अब यहाँ पे है जो चलाने का सीन। ये है स्टेडियम और ये जगह जहाँ पर हम चलाना सीखेंगे स्कूटी। चलो देखते हैं, पहले मैं पैर ऊपर कर लूँ, संभाल लोगे? एक बार वजन संभाल के देख लो पहले मेरा, ऊपर कर लिया मैंने पैर। हाइट मेरी भी कम है तो भरोसा कम ही करना मेरे पे। मेरा एक हाथ यहाँ पर, दूसरा हाथ मेरा रेस पर, छोड़ना। बैठे भी आप ठीक से? ठीक है चलाऊँ? चलो पकड़ो रेस पे हाथ, हाँ सीधा सीधा चलो। सीधी सीधी रोड चलना ठीक है, क्या इधर मेन रोड पे। ये मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है, एक हाथ से रेस दे रही है। हल्का हल्का छोड़ू अब मैं? चलाओ, पकड़ो अपने आप हैंडल। भाई अभी के लिए हेलमेट उतारना ही पड़ेगा, थोड़ी देर चलवा लेता हूँ मैं स्कूटी, फिर करते रिकॉर्ड। छोड़ दूँ? गिर विर तो नहीं जाओगे पक्का? चलो क्या कर सकते हो करके बताओ, करतब दिखाओ मुझे करतब। सिर्फ एक पैर पे गोल गोल एक ही तरफ घुमाओ, ज़्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊँ चला के गोल 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 कैसे घुमानी है? इसको सब पता है, बताइए अपनी टेक्निक। अब देखते हैं कर पाते कि नहीं कर पाती। करो, घुमाओ घुमाओ, हाँ हाँ। एक चीज होती है, जैसे हमें लगता है ना हम गिरने वाले हैं, हमारा हाथ ब्रेक पे होता है, स्पीड भी खुल जाती है। वो तो आदत की बात है ना, धीरे धीरे आदत छूट जाएगी वो सारी, पर कम से कम ब्रेक लगने चाहिए। रेस भले ही दे दो, एक राउंड कंप्लीट हो गया है, यानी कि इसका राउंड कंप्लीट हो गया है। अब लेके आऊंगा बहन को। रुक जाओ रुक जाओ, ब्रेक तो मारनी आ गई आपको, कम से कम मुझे इतना भरोसा होता है ब्रेक मार लोगे। बाहर बाहर, हाँ इधर से निकलना है, कम से कम सीधी सीधी रोड पे चला लेना ठीक है। चलो 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 चलो, छोड़ दूँ? नहीं नहीं अभी नहीं, मोशन में आने दो। तुमसे कह रही हूँ मैं मेन रोड पे, अगर चाहते हो कि मैं निकलूँ। चला तो रहे हो अपने आप,
गाड़ी मोड़ नहीं रही है मेरे से अभी। कहाँ से नहीं मोड़ रही? जब गड्डी आ रही है। देखो मैं ऐसा ट्रेनर हूँ, आया मैं चला के था, लेके आप जा रहे हो, भरोसा नहीं अपने आप पे? अरे मोड़ आ रहा है। जितनी बार बोलते हो ना उतनी बार में चला लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलते रहो सीधा सीधा। वो देखो कैसे लेटा लेटा के लेके जा रहे हैं लोग। चलो 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 चलो, बड़ो बड़ो शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। अगर दो तीन बार चलाने आओगे तो आप चलानी सीख जाओगे जल्दी। तुम्हारा टू व्हीलर का और फोर व्हीलर का लाइसेंस एक ही साथ अप्लाई करेंगे। गड्डियों के ऊपर से तो निकल नहीं सकते आप, रोकना ही पड़ेगा आपको। हॉर्न कहाँ से देते हैं? हॉर्न कहाँ से देते हैं? यहाँ से। हमें राइट जाना है यहाँ से, राइट। तो ध्यान रखना हैंडल। मैं क्या ध्यान रखूँ इसमें? राइट जाना है, आप लेफ्ट कहाँ जा रहे हो? हाँ। आगे से मोड़नी कैसे है? मोड़नी कैसे है? कमांड दे दो स्कूटी को, मुड़ जा, मुड़ जाएगी वो अपने आप। चलो चलो गुड, सीधा 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 सीधा। भाई घर तक तो पहुंचने ही वाले हैं, कैसे तैसे ले आया मैं आपको घर। गाड़ी चलाते समय, बाइक सिखाते समय अगर टायर खाली ना तो कभी गलतियां करोगे पर कम करोगे। मेरे ऑफिस जल्दी आने का ये यूज़ होता है बस, घर के काम। चाबी और हेलमेट लेके तो आ। चाबी और हेलमेट। चल पूरी वहाँ तक ले जा, फिर वहाँ से घुमा के ले आ। 15 मिनट हो गए स्कूटी मोड़ते हुए घर से। ओए इस तरफ गिरना नहीं है। हाँ भाई बहन चला रही है स्कूटी। आगे चल के रोक, उसके बाद आराम से रोक, मैं पैर नीचे नहीं टिकाऊंगा, तो खुद टिकाएगी भैया। हाँ चल फिर चला। अंकल मुंह उड़ा दियो। चल फिर से रोक एक बार, फिर से रोक। ओए तो खुद का आगे भाग जाती है। आगे। चल फिर चला, फिर रोक, फिर चला। फिर रोक, रोक यहीं पे, रोक यहीं पे, रोक। अब गिरा सीधे, आराम से रोक, आराम से बिल्कुल। ओहो मतलब खुद नीचे उतर गई है और रेस भी दे दी है और मैं यहाँ बैठा हूँ वैसे। मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, खुद रेस दे के और खुद नीचे उतर गई यार, मैं पीछे बैठा हूँ आराम से। एक बार फिर वहीं पहुँच गए BHL स्टेडियम वाली रोड पर। अब मैं बिल्कुल पैर ऊपर करके बैठा हूँ। चल चला पहले इधर, एक काम कर पहले इधर चल, वहाँ से घूम के आता है फिर देखते हैं कहाँ चलते। अब इस शाम का टाइम हो गया ना तो काफ़ी लोग आ चुके हैं यहाँ पे, तो फिर थोड़ा सा रिस्क है अब चलाना यहाँ पे। पूरा क्रिकेट खेला जा रहा है वहाँ पर, नहीं तो हम दोपहर में तो यहाँ चला लेते। वैसे तो अंदर की जगह तो खाली है, इधर उधर। हाँ वहाँ तो खाली है, तो वहीं चल रहे हैं, वहाँ कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चला रहा होगा। चल 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 चल। अरे आने दो, आ रहा है इतना काम कर। शाम हो गई ना? हाँ। अब शाम को यहाँ पे स्टंटिंग या फिर तो आगे देखना चाहिए। रुकते हैं चल। ऐसा क्या कर रहे हैं ये? वो तो क्या की बात है, अभी तो फिर अभी तो वो कह रही है बच्चे स्टंट करते हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से लियो। हाँ भाई BHL की ये जगह ना है ही फेमस इसी चीज़ के लिए। जिस बंदे ने कार चलानी सीखनी है, स्कूटर बाइक कुछ भी चलाना सीखना है, वो यहीं पर आके यहीं पे सीखता है। कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का स्कूटी चलाने का? मैंने कुछ नहीं किया था, दूसरे दिन गई तो मैं घर तक। फिर कॉन्फिडेंस मेरा गाड़ी चलाने के बाद बढ़ गया है। हाँ। चलो जगह तय कर लो कहाँ पर पार्टी देनी है जब दोनों स्कूटी। मैं वो तो जी हमने एक प्लानिंग करी हुई है। देखो
हम जिस दिन सीख जाएंगे तनु दी स्कूटी लेकर जाएगी, मैं गाड़ी लेकर जाऊंगी और आप दोनों बाइक पे जाओगे। वो गाड़ी ले जाएगी, वो स्कूटी ले जाएगी। जिस दिन हमारे हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, मतलब ये दोनों सीख गई ले जा रही है, लेकिन हम बाइक पर जाएंगे देखेंगे कि हम किसको बचाएं, इसको या उसको। एक चीज करनी है पता है क्या, अगर ढंग से सीख जाओगे ना तो तुम दोनों का लाइसेंस एक नंबर में बनवाएंगे। बन जाएगा मेरा, मैं तो दोनों का बनवाऊंगी फिर साथ। पर मुझे एक चीज बड़ी हैरानी हो रही है, परसों मेरे से हैंडल बिल्कुल नहीं संभल रहा था, आज बिना प्रैक्टिस के आ गया। हाँ, आपको तो किसी ने सिखाया ही नहीं होगा। मैं ये कह रही हूँ, वाह भाई वाह, स्कूटी भी अपने आप आ गई है, कथक भी अपने आप ले आई। मैंने वहां पर जाके कोई प्रैक्टिस नहीं करी, मैं तुरंत मेरे अपने आप ही हैंडल हो गया। आज मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। हाँ, मतलब ये था कि जैसे उस दिन मुझे लग रहा था कि साइकिल चलाई हो ना, अगर एक हफ्ता पहले सीधा करने में लगेगा कि साइकिल चलाई हो तो बंदे को चलाने में आसानी होती है, पर आज मैंने एक बार चलाने के बाद हाथ छोड़ दिया था, थोड़ी देर के बाद फिर ये सीधी चला रही थी। डर लग रहा है मुझे, अरे मैंने ब्रेक मारती हूं, ये ब्रेक मारती है उतर जाती है उतर जाती है, मैं पीछे बैठा हूँ और उसके बाद पूरी रेस दे के पकड़ी हुई है, मतलब बंदा ये खुद तो उतर ही नीचे, मैं पीछे बैठा हूँ, उतरने के बाद भी रेस दे दी पूरी। मैं क्या बंदा, हाँ बंदे को साथ साथ भेज दो जाओ भाई। ये है पहले गाड़ी सीखते सीखते काफी लंबा गाड़ी में गैप आ गया। गाड़ी तो बहुत बड़ी चीज थी। पॉइंट ये है ना यार, गाड़ी मैं क्यों नहीं इतना चलवा पाता हूँ, मुझे पता है कि सिखाना एक अलग बात है, सीख जाओगे आप टेस्ट तब तक नहीं दे पाओगे जब तक तुम रेगुलर गाड़ी नहीं चला रहे, तो वहाँ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे और वो काटा लगा दे। पैसे भाई पैसे दे के तो कोई भी पास कर देगा, मैं चाह रहा हूँ कि एक नंबर में बनवाओ, 1500 रुपये में लाइसेंस बन जाएगा, ऐसे 5000 रुपये लग रहे हैं आज के रेट में, दो नंबर है मेरी शिकायत। लेकिन मैंने अपना लाइसेंस जब बनवाया था, मैंने और हिमांशु ने एक नंबर में लाइसेंस बनवाया था, मतलब वो लास्ट मोमेंट तक मानते रह गए थे, मतलब हम जब गाड़ी चलाने गए ना तो उन्होंने कहा गाड़ी लेके आ जाओ फोर व्हीलर, हम ले गए अपना हिमांशु वाली गाड़ी, तो जब पूरा साइंस होने की बारी आई तो उन्होंने लास्ट मोमेंट में भी यही बोला, भैया 40-40 रुपये लग दो साइन कर हो जाएंगे। अच्छा। जैसे हल्के से बोलते हैं ना कि ताकि अब ज़्यादा वो ना हो, हिमांशु जोर से बोला गौरव भैया करे गाड़ी अंदर लेके आइयो बस, मतलब हाँ उनने वजह से कि हम टेस्ट दे रहे हैं ना। हाँ। गाड़ी वो हाँ हिमांशु अंदर लेके आया था, मैं गाड़ी बाहर लेके गया, अब वो क्या करता साइन मारे उसने, बन गया लाइसेंस 400 रुपये में समथिंग बना। वैसे तो पूरा टेस्ट होता है, मतलब एक आजकल तो कंप्यूटर पर होता है, कंप्यूटर पे वो बना होता है जैसे हम गेम खेलते थे, सिम्युलेटर होता है, स्टीयरिंग सब होता है उसमें, तो एक तो टेस्ट वो होता है, मेरे ख्याल से रोड पे भी होता होगा, पर तब तो ये था कि तुम अपनी गाड़ी लेके आओगे तो स्कूटी तो 8 बनवाते थे, जो मैं तेरे से बनवा रहा था कि 8 बनाना सीख ले पास हो जाएगी, और गाड़ी में क्या था पता नहीं क्या ट्रैक था, बस हमें तो बोला उन्होंने हाँ अच्छा गाड़ी लाए हो आप, तो हिमांशु की गाड़ी थी, देखा हाँ आप अंदर ले आओ, हिमांशु गाड़ी अंदर लेके आया तो भाई चलानी आते तभी तो अंदर लाया, आप बाहर ले जाओ। जब मैं गाड़ी पे बैठने गया ना तभी मानसू को बोला उसने, भैया 40-40 रुपये में साइन कर दूंगा, तभी मानसू ने ऐसे जब मुझे बोला गौरव भैया कह रहे गाड़ी बाहर ले जा, अंदर नहीं बाहर ले जा। हाँ तो पहली बार तो क्या हुआ, स्टार्ट होती मैंने हैंड ब्रेक छोड़ना भूल गया, तो फर्स्ट टाइम तो बंद हो गई गाड़ी, मुझे लगा साला फेल ना कर दे। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से गियर लगाया, मतलब चलानी आती थी। आज की क्लास खत्म हो गई है, नेक्स्ट क्लास होगी 2-4 दिन बाद, जब भी होगी 2 दिन की छुट्टी होगी होली की। हाँ होली की भी छुट्टी होगी, काहे की 2 दिन की छुट्टी होगी, 1 दिन छुट्टी होती है हमारे, 8 तारीख को हमारे यहाँ छुट्टियाँ नहीं होती, 8 तारीख और मंडे से तो वैसे भी टाइम नहीं मिलेगा, मंडे से अपना पूरा 12 घंटे की शिफ्ट हुआ करेगी मेरी। चलो भैया ठीक है भाई।